जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है पहला कुरिन्थियन उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं। आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वो स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन क्या बताता है दोस्तों? मुझे हमें यह वचन बताता है कि आत्मिक जन किसी स्वाभाविक जन के द्वारा परखा नहीं जाता, क्योंकि आत्मिक जन के पास क्या है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जानता है क्या गलत है क्या सही है। हमें पता है कौन सी चीज शैतान की ओर से आती है, कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन स्वाभाविक जन नहीं जानता है। स्वाभाविक जन को नहीं पता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है। स्वाभाविक मन को नहीं पता है कि शैतान उनके जीवन में कैसे काम करता है। हमें पता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को जाने, हम आत्मा के द्वारा अपने जीवन को चलाएं। इसलिए बाइबल कहता है, बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियन 5:16 में कहती है, इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। हालेलुया। देखा, परमेश्वर चाहता है, बाइबल चाहती है कि हम एक दूसरे भाई को, एक बहन को, एक मसीह भाई को, बहन को हम आत्मा के रूप में जाने। हम अपने भाइयों को आत्मिक रूप में जाने कि वो आत्मा में कैसे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो आत्मा में है कि नहीं है। क्योंकि फारसियों ने यीशु मसीह को शरीर के रूप में जाना। जो उपदेश, जो संदेश, जो वचन यीशु मसीह अपने मुख से निकालते थे वो परमेश्वर की योजना थी, वो आत्मा के रूप में कहते थे। इसलिए कोई भी चीज उनके मुख से गलत नहीं निकली है, कोई भी चीज उनके मुख से ऐसी नहीं निकली है जिसका उन्हें पछतावा हुआ हो। हालेलुया। जो जो शब्द यीशु मसीह ने कहे हैं वो आत्मा में कहे हैं और वो बिल्कुल परमेश्वर की वाणी थे। हालेलुया। इसलिए हमें भी जब हम अपने आप को जांचते हैं, जब हम अपने भाई को जांचते हैं, जब हम अपने भाई को समझते हैं, जब हम अपने भाई से बात करते हैं, तो आत्मिक रूप में हमें परमेश्वर की चाल चलनी है। देखिए मत्ती 16:22-23 के बीच में अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह ने पतरस को आत्मिक रूप में देखा। जैसे यीशु मसीह ने अपने मरने की बात कही, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर मरूंगा और मर के जिंदा हो जाऊंगा, उसी पल पतरस ने कहा कि नहीं यीशु मसीह, आप क्या कह रहे हैं, आपको हमारे बीच में से नहीं जाना है, आप मरने की बात मत करिए। उसी पल यीशु मसीह जान गए कि पतरस के अंदर दुष्ट आत्मा है। कौन सी आत्मा, वो जान गए कौन सी चीज है। इसलिए उन्होंने इसी समय झड़का और उन्होंने पतरस से कहा, ऐ शैतान हट, दूर हट, क्योंकि तू मनुष्यों की बात कर रहा है, तू परमेश्वर की योजना के विरुद्ध बात कर रहा है। इसलिए हमको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बीच, हमारे सामने जो बात हो रही है, हमारा भाई, हमारा, हमारी बहन, हमारे जो परमेश्वर की बात हो रही है या शैतान की बात हो रही है, कौन है, किसके द्वारा हमारे जीवन में बात हो रही है, कौन है जो हमारे जीवन में चाल चल रहा है, शैतान या परमेश्वर, ये कौन जान सकता है? आत्मिक जन। ये जो स्वाभाविक जन है ये नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हमारे पास कौन सी है? पवित्र आत्मा है। हम उस सामर्थ को जाने। इसलिए भाई मेरे बहन, अगर आपका झगड़ा किसी भाई से होता है, अगर आपका झगड़ा अपनी पत्नी से होता है, अगर आपका झगड़ा अपने पति से होता है, तो आप ये जानिए कि वो जो झगड़ा करने वाला है वास्तव में आपका पति है या उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो जो भाई है, वो जो बहन है, जो आपसे रूठ गई है, जो वो गलत तरीके से आपसे व्यवहार कर रही है, वो कौन है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है या कोई और है। हालेलुया। जैसे हम ये जान जाएंगे कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जैसे हम जान जाएंगे कि वो भाई वो बहन ऐसा नहीं कह रहा है, उसके अंदर जो आपके दुष्ट आत्मा है वो ये बात कर रही है। इसलिए देखिए मत्ती 5:11 में अगर आप जानेंगे इस वचन को, तो परमेश्वर ने धन्य कहा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। क्या कहा है परमेश्वर ने? धन्य कहा है। किनको धन्य कहा है? जो निंदा सहन करेंगे, जो सताव सहन करेंगे, जो अपने लोगों के ही जाल में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अपने लोग हैं, जो उनको सता रहे हैं, जो निंदा करने हैं, वो कौन है? शैतान उनके द्वारा काम कर रहा है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे हम धन्य होंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को बिताएं, हम आत्मिक रूप में अपने जीवन को बिताएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में एक दूसरे को देखें, क्योंकि हमारी आत्मा जिंदा है और परमेश्वर ने हमारी आत्मा को अपनी आत्मा दी है ताकि हम उसकी आत्मा के द्वारा
समझें कि जीवन में हमें किस किस चाल से चलना है, कौन सी चाल हमें जीवन में लेके चलनी है, हमें किसके द्वारा चलना है। इसलिए विश्वास करिए और हमें जानना है। इसलिए तत्पर रहिए। वो ज्ञान जो परमेश्वर ने दिया है, वो बुद्धि जो परमेश्वर ने खोली है, वो आत्मा जो हमें दिया है, उसके अनुसार हमें चलना है। और जब हम उस आत्मा के अनुसार चलेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम किसी भी संकट में नहीं आएंगे। कोई भी सताव, कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख अगर हमारे जीवन में आता है, तो हम उसके निपटने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो सताव कहां से आया है। वो शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से? कौन है जो हमारे जीवन में सताव लेकर आ रहा है? और जब हम आत्मा में उस बात को परखेंगे, तो हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी आशा हमारे साथ है, उसकी कृपा हमारे साथ है, उसका सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। तब हम सताव में भी अपने आप को धन्य कहेंगे कि धन्य है। पौलुस कहता है मैं धन्य हूं क्योंकि सताव में स्थिर हूं। पतरस कहता है मैं धन्य हूं क्योंकि सताव में स्थिर हूं। हमें भी सताव में स्थिर रहना है क्योंकि हम आत्मा से लोगों को परखें, हम आत्मा से लोगों को जाने। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज का दिन पवित्र है परमेश्वर। तेरे पवित्र सामर्थ्य वचन में अद्भुत शिक्षा है परमेश्वर। क्या है? सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किए मैं।